आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं स्थिति त्रिपाठी। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में मरीजों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। कुछ ने सरकारी अस्पतालों की शरण ली, लेकिन कुछ मरीजों को बैरंग ही लौटना पड़ा। यह सब हुआ सरकार और डॉक्टर्स के बीच खींचातानी में, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा आम जनता को। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में प्रदेश में 12 घंटे के लिए अस्पतालों में ओपीडी ठप रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े करीब 3 लाख डॉक्टर्स ने हड़ताल में हिस्सा लिया। आईएमए ने आरोप लगाया कि लगातार बातचीत के बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इस बिल के प्रावधानों को लागू किया गया तो आम जनता के लिए इलाज महंगा हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सरकार का मत है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करवाने के बाद ही एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत हो, जिससे देश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। हालांकि तमाम विरोध के चलते सरकार ने बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने जल्दबाजी में इस बिल को संसद में पेश किया? क्या केवल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के पास होने भर से देश में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी? क्या केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने से एक आयुष डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर की तरह इलाज कर पाएगा? क्या एमसीआई का अस्तित्व खत्म कर मेडिकल के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा? ऐसे में आज चर्चा बिल पर बवाल के इसी मुद्दे। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को लेकर सरकार और चिकित्सकों का एक खेमा आमने सामने है। आईएमए को सरकार का बिल पसंद नहीं आ रहा है, इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 130 करोड़ की आबादी का इलाज करने के लिए देश में करीब 10 लाख ही एलोपैथी डॉक्टर हैं। इनमें से केवल 1,10,000 डॉक्टर ही सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। आईएमए की माने तो डॉक्टर और मरीजों का अनुपात सही नहीं होने से मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पाती, जबकि डॉक्टर्स भी काम के बोझ के तले दबे रहते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता और उपलब्धता का असर पड़ रहा है। इसी वजह से नीम हकीम खुद को डॉक्टर की तरह पेश कर जनता को लूटते रहते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सूबे के जिला अस्पतालों में 3,200 विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल 7 में ही एनेस्थीसिया विशेषज्ञ। ऐसे में अगर सरकार की मंशा डॉक्टर की कमी को पूरा करने की है तो इस पर आईएमए सवाल क्यों उठा रहा है? आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया था। मंगलवार को कई पार्टियों और डॉक्टर्स के विरोध के चलते बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जो बजट सत्र के पहले रिपोर्ट देगी। विधेयक का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुलकर विरोध किया, जबकि शून्यकाल में कई दलों के सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन इस सबके बीच बिल के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर, इलाज के लिए भटकते रहे मरीज, बड़ा सवाल, क्या बिल पास होने से डॉक्टर्स की कमी होगी पूरी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को जन विरोधी और मरीज विरोधी बताया। विधेयक के विरोध में देश भर के निजी अस्पतालों को 12 घंटे बंद रखा गया। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते प्राइवेट से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी ठप रही, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा।
आईएमए के करीब 3 लाख सदस्य हैं, जिसमें देश भर के कॉरपोरेट अस्पताल, पॉली क्लिनिक और नर्सिंग होम के डॉक्टर शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल के कई प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स का कहना है कि विधेयक के पास होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर चिकित्सा का स्तर गिरेगा, जो मरीज की देखभाल और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। वहीं ब्रिज कोर्स को एमबीबीएस के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही नीट परीक्षा का स्तर काफी उच्च रखा गया है, जिससे सिर्फ 40% स्टूडेंट ही पास कर पाएंगे, जबकि मैनेजमेंट को 60% सीटों की फीस तय करने से मेडिकल शिक्षा गरीब छात्रों से दूर हो जाएगी। उसके बाद ये जो मेडिकल काउंसिल को भंग करके एनएमसी बिल लाके और जो नई समिति बना रहे हैं, उसमें जो 25 सदस्य ला रहे हैं, उसमें सिर्फ 5 ही चुने जाएंगे और 20 जो सदस्य होंगे वो सरकारी होंगे और गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे, जो डॉक्टर नहीं होंगे। अब एक चीज बताइए, संस्था चलाना है, डॉक्टरों के अस्पताल चलाना है, डॉक्टरों की शिक्षा चलाना है और चलाने वाले डॉक्टर नहीं होंगे। देखिए, हमारे चिकित्सक जो है वो उनके समर्थन में जरूर है, हम लोगों ने काली पट्टी भी बांध रखी है, लेकिन मरीजों की सुविधा को देखते हुए हम लोग ने अस्पताल को चालू रखा, क्योंकि क्या है कि अस्पताल भी प्राइवेट ही बंद रहेगा और हम भी बंद कर देंगे, यह उचित नहीं। ओपीडी वगैरह सुनी है पूरी है? आज हमारी ओपीडी पूरी है, डॉक्टर वगैरह सभी डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन हम लोगों ने काली पट्टी जरूर लगाई रखी है कि उसका थोड़ा सा उनके समर्थन जरूर है। हमारे चिकित्सक आके वो भी आईएमए के लोग भी चिकित्सक हैं और इसमें मेडिकल बिल है उसका कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर प्रावधान का विरोध होना चाहिए, लेकिन मरीजों की सुविधा देखते हुए हम लोग ने ओपीडी बंद नहीं। कहीं न कहीं यदि एमसीआई की बात करें तो एमसीआई एक ऐसी निष्पक्ष संस्था थी जिसका एक हाथ चिकित्सकों के कंधे पर रहता था और एक हाथ चिकित्सकों के कान पर रहता था कि यदि वो किसी प्रकार की गलती करें तो उन्हें बख्शा नहीं जाता था। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह की विसंगतियां लगातार आती जा रही हैं, लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि एक तंत्र या तानाशाही वाले कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं कि एमसीआई संस्था को भंग कर एक आयोग का गठन किया गया जिसमें चिकित्सकों का जो प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधित्व की संख्या को कम किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को लेकर डॉक्टर्स विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि बिल के पास होने के बाद मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा और आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत मिलने से डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए नजर डालते हैं क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन। कमीशन में 4 स्वायत्त बोर्ड बनाने का प्रावधान, कमीशन और सदस्य सरकार करेगी नामित, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के साथ लाइसेंस परीक्षा का भी प्रस्ताव, स्नातकों को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस परीक्षा पास करना जरूरी, चिकित्सा क्षेत्र को भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों से मुक्त कराना, आयुष डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करवाकर एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत, मैनेजमेंट को 60% सीटों की फीस तय करने का अधिकार। सवाल ये है कि क्या बिल पास होने के बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो पाएगी। दूसरी ओर सवाल है कि क्या केवल ब्रिज कोर्स कर आयुर्वेद समेत भारतीय चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बने एमबीबीएस डॉक्टर की तरह इलाज कर पाएंगे। क्या बिल के लागू होने से निजी मेडिकल कॉलेजों पर सरकार का शिकंजा मजबूत होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मेडिकल एसोसिएशन देश भर के आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत मिलने से क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है। ऐसे में अगर अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ जाए तो उस पर एतराज क्यों किया जा रहा है। साथ ही एमसीआई कई बार भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में रहा, क्या सरकार का शिकंजा कसने से आईएमए खुद को असहज महसूस कर रहा है। सवाल ये भी है कि जब देश में जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है तो ऐसे में सरकार एक नया बिल लाकर मरीजों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो
तो जब डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए लाए गए बिल पर हो रहा हो बवाल, उसके बाद धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स करें हड़ताल और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने से मरीज हो बेहाल, तो सवाल उठते हैं क्या केवल ब्रिज कोर्स कर आयुष डॉक्टर्स कर पाएंगे MBBS डॉक्टर्स की तरह इलाज? क्या MCI की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनने से मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार पर लग पाएगी रोक? क्या नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास होने से ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स की कमी हो पाएगी पूरी? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विकास पोंदरिया जी हैं, बीजेपी प्रमुख का विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी हैं MD नवोदय हॉस्पिटल के, श्याम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद जकारिया जी हैं मेंबर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जकारिया जी आपका स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए यहाँ वरिष्ठ पत्रकार RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, श्रीवास्तव जी आपका बहुत स्वागत है। श्याम जी, ये इस बिल का आखिर विरोध क्यों? इस बिल का विरोध सबसे पहले तो इस बात पे हो रहा है कि जो नेशनल कमीशन बिल के जो हेड्स रहेंगे वो डॉक्टर्स नहीं होंगे जी, और एक डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को उसके अंदर से संघर्ष की बात को सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। जैसे कि अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो जूनियर डॉक्टर्स ने मोदी जी से आग्रह किया कि एक दिन आप रेसिडेंट बन के देखिए और हमारी समस्याओं को समझिए, तो ये एक सबसे बड़ा एक जो गैप होने वाला है नॉन डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बीच में, इससे हम लोग कंफर्टेबल नहीं है जी। नहीं, नॉन डॉक्टर्स मतलब उसमें ऐसा तो नहीं है 20 जैसा कि अभी बताया गया कि उसमें डॉक्टर्स भी होंगे और डॉक्टर्स के अलावा कुछ अधिकारी, कुछ अलग अलग समाज सेवी, इस तरह के लोग भी या पॉलिटिशियन, इस तरह के लोग भी नॉमिनेटेड होंगे। डॉक्टर तो रहेंगे ही जी, तो फिर कैसे? नहीं, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होंगे जी वो उसमें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बिल बड़ी जल्दबाजी में आ रहा है जी, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ अक्रॉस टेबल पे बैठ के बात हुई नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जैसे हमारा संशय है, उस संशय को उन्होंने दूर नहीं किया कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, आपकी तकलीफों को समझा जाएगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट यहाँ पर इतनी जल्दबाजी से बिल थोपा जा रहा है कि हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं जी। अभी तो खैर बहुत सारी बातें हैं श्याम साहब, इस बात की भी बात होगी कि क्या ब्रिज कोर्स करने के बाद, जैसे डॉक्टरों में गांव की कमी है, लगातार डॉक्टरों की कमी होती जा रही है, MBBS डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर एक कहावत है ना मामा से काना मामा अच्छा होता है, अगर वहां ऐसे लोगों को जो आयुष डॉक्टर हैं उनको अगर ब्रिज कोर्स करवा के उन्हें कुछ हल्का फुल्का, जबकि उसमें शर्त भी है कि जो हॉस्पिटल में रहेंगे नियुक्त होंगे वहीं वो एलोपैथी इलाज कर सकेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस उसके माध्यम से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका विरोध क्यों? मैं आपके पास आऊंगा बोंदरिया जी, जैसा श्याम साहब ने कहा कि टेक्नोक्रेट्स की जो बात आती रही हमेशा, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, यहां भी वही बात है कि अगर डॉक्टरों के लिए कोई अगर नियम कानून बन रहे हैं तो डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जल्दबाजी में बिल पास किया गया। देखिए त्रिपाठी जी, डॉक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेके काम करने की सरकार इच्छुक है, ये इससे पता लगता है कि हाल की, ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी में प्रस्तुत है तो बिल पास। नहीं नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, पहले भी चर्चा की गई और आज भी मंत्री महोदय ने क्या कहा कि हम इसे स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं, वो इसलिए कि डॉक्टर्स का एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा इसके प्रति, उनकी कुछ और इच्छाएं दिखी कि वो भी और भागीदारी करना चाहते हैं चर्चा में, तो सरकार ने निर्णय लिया वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में और डिस्कस कर लेंगे, डॉक्टर्स भी अपने विचारों ने प्रेषित करेंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे कि हमें पार्टिसिपेटिव नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बनाया जा रहा है। दूसरी चीज है कि MCI में भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे लेकिन वहां भी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे, डॉक्टर साहब होते थे तो वहां भी नॉमिनेटेड मेंबर्स, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, डॉक्टर साहब होते थे क्या? गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती थी उसमें, MCI में पार्टिसिपेट करती थी। क्या श्याम साहब सही बोल रहे हैं विकास जी? ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेकिन मुझे सवाल ये कि MCI को डिसॉल्व करने की जरूरत, डिसॉल्व की बात नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, डिसॉल्व की बात नहीं है, एक बॉडी बना रहे हैं, और जो आपने कहा ना कि हमें नहीं मालूम कि हमारा क्या स्टेटस फिर होगा, देखिए सरकार ने एक हेल्थ की पॉलिसी बनाई, त्रिपाठी जी ने विकट स्थितियां बताई अभी देश में, डॉक्टर्स की कितनी आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की कितनी आवश्यकता है, सरकार ने एक हेल्थ पॉलिसी बनाई, उसके तहत एक लंबी अवधि में सरकार कदम दर कदम काम करती जा रही है, जिसमें एक अंग ये भी है जो ये बिल आज फ्राइडे को प्रस्तुत किया गया था,
अब इसमें बिल में क्या क्या है ये और विस्तारित करके जब आप देखेंगे पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि एनएमसी जो है उसके 25 मेंबर एक अपनी बॉडी हो गई और सब कुछ संपूर्ण वही करेंगे। देखिए अभी हम स्टोरी में भी सुन रहे थे, इसमें चार अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बनाई जाएंगी, जो डॉक्टर साहब की फिक्र थी कि डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन या मेडिकल कॉलेजेस के लिए रिकॉग्निशन वगैरह, वो सब इसमें अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज काम करेंगी, वो देखेंगी। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आप भी एक बात को सहमत होंगे, हम आजकल बात करते हैं पॉलीक्लिनिक्स की और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, आखिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कौन लोग देखते हैं? डॉक्टर्स को जो हेल्प करते हैं ऐसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स ही देखते हैं ना। तो सरकार का तो मसला ये है कि डॉक्टर्स के साथ में है, डॉक्टर साहब से जबरदस्ती हाँ मैं नहीं, हाँ मैं नहीं कहलवा रहा, मैं तो डॉक्टर साहब के सामने बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब सहमति देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर मैं अन्य तर्कों से प्रयास करूंगा कि डॉक्टर सहमत हो। तो मेरा मतलब ये है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चीजों को नीचे तक उतारने में सक्षम हो, उनके पास में वो पावर्स हो, उनका से सुना जाता हो, तो हमें लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में हमें सहायता मिलेगी। सरकार का एक ही मकसद है कि गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें, ऐसी इस तरह से हम मेडिकल संपूर्ण न केवल एलोपैथी बल्कि साथ में आयुर्वेद यूनानी मतलब इंडियन मेडिसिन हम जैसे कहते हैं उन सब ब्रिजेस को प्लेटफॉर्म मेडिकल प्लेटफॉर्म को हम इंटीग्रेट कर सकें और एक बेहतर मेडिकल सीन खड़ा कर सकें। इससे मेडिकल सीन खड़ा होगा नहीं खुला होगा, खैर श्याम साहब के पास पहुंचेंगे बाद में जानेंगे। वहां साहब जकारिया साहब हैं, आयुष का पक्ष जान लेते हैं। जकारिया साहब ये जो नया बिल पास होने जा रहा है उसके बारे में आपका क्या मत है? जकारिया साहब मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं भारत सरकार का, जो बरसों से हमारे जो लोग हेल्प कर रहे हैं गांव के अंदर इंटीरियर्स के अंदर, और इसमें कोई लड़ाई नहीं है, इसमें कहीं एलोपैथी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि उनको फायदा होने वाला है। अगर आप देखेंगे का? अगर आप आज भी देखेंगे जितने भी नर्सिंग होम्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं तो हमारे जो साथी हैं जो होम्योपैथी के आयुर्वेदिक के यूनानी के वो सारे सपोर्टिव हैंड्स के तौर पे काम करते हैं जी। और आज गांव से जितने भी पेशेंट्स हैं अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर के अलावा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी भी देखता है तो वो अपने क्रिटिकल केसेस को अस्पतालों तक वही लोग भेजते हैं जी। तो अगर ये ब्रिज कोर्स चालू होता है तो सबसे बड़ी बात तो ये जो गांव तक जो इंटीरियर माइक्रो इंटीरियर तक जहां तक के दूसरे लोग नहीं पहुंच पाए वहां तक हेल्थ की सुविधा पहुंचेगी। और ये सारे 5.5 साल का कोर्स करते हैं, सिर्फ फार्माकोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो वो नहीं जानते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता है। अगर ब्रिज कोर्स के तौर पे, और बनाना भी इन्हीं को है क्योंकि इसके मास्टर्स तो यही एलोपैथी वाले ही मास्टर्स हैं इसके, तो वही कोर्स बनाएंगे और सारे लोग उसको जब देखेंगे तो आगे सबको सबका फायदा होगा, सबका भला होगा। ये तो एक पक्ष रहा, खैर भ्रष्टाचार वाला दूसरा पक्ष है। लेकिन जकारिया साहब जी आपने खुद कहा जी कि सपोर्टिंग हैंड्स के रूप में वो रहते हैं, जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं सपोर्टिंग हैंड्स के रूप में हैं वो, ठीक है। सपोर्टिंग हैंड्स और हैंड्स इन दोनों में बहुत अंतर है। उसके बाद वो हैंड्स अगर मिनी पीएससीयू में अगर उनकी भर्ती कर दी गई तो एक हैंड्स हो जाएंगे सपोर्टिंग, उनको कोई वहां और हेड करने वाला नहीं मिलेगा, फिर कैसे होगा? नहीं हेड एक 5.5 साल का कोर्स करना, फिर एमडी करना, और खासकर पर्टिकुलर उसी लाइन पे यानी एलोपैथी लाइन पे, और आपने कहीं यूनानी कहीं आयुर्वेद कहीं होम्योपैथी, इसका इलाज अलग अलग है, इनमें शल्य क्रिया का कहीं मुझे नहीं लगता आप बेहतर बताएंगे, क्या इसमें शल्य क्रिया के बारे में बताया जाता है, जो आधुनिक शल्य क्रिया है उसके बारे में बताया जाता है क्या? तो फिर कैसे वो कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मात्र 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने पे बिल्कुल उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एलोपैथी को ये लोग करने लगेंगे, एक लिमिटेशन दिया है, इतनी दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, इतनी चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। मानिए कोई बर्न का केस आ जाता है, कोई इमरजेंसी ऐसा केस आ जाता है, एक्सीडेंटल केस आ जाता है, और गांव के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है मौजूद, तो आज अभी तक क्या होता है कि एक होम्योपैथी वाला है आयुर्वेदिक एलोपैथी वाला अगर उनको ये इनको कानूनी तौर पर नहीं मिली हुई है तो वो लोग नहीं उसका हेल्प कर पाते जी। तो आज कम से कम कानूनी उनको ये मान्यता मिल जाएगी कि हाँ भाई ये ब्रिज कोर्स करके कर सकते हैं, तो वो अपने लोगों की वहाँ हेल्प करेंगे, साथ में वो अस्पतालों तक पहुँचाएंगे। कुल मिला के मकसद ये है कि हेल्थ फॉर ऑल अप टू 2020 होना था, तो उसके अंदर अगर ये मदद मिलेगी तो ये सब लोग मिलकर आगे मददगार ही साबित होंगे।
अभी आपने कहा ऑपरेशन थिएटर में भी जाते हैं आपके लोग, कैसे जाते हैं, हम आपके पास आएंगे जानेंगे कि किस तरह से कौन पार्टी थी। एक एक बात मैं और जोड़ना चाहूँ, देखिए एक ब्रिज कोर्स का एनएमसी एक कंसेप्ट फ्लोट कर रहा है, ये फाइनली उसका सिलेबस या माइक्रो क्या स्टडी होगी, किस हद तक इलाज कर सकेंगे, कौन सी दवाओं पे इलाज कर सकेंगे, ये डिफाइन वो नहीं कर रहा। एनएमसी ये प्रपोज करता है, बिल ये प्रपोज करता है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन काउंसिल और मतलब यूनानी और आपका आयुर्वेद का जो इंडियन मेडिसिन काउंसिल है, वो सब की मीटिंग रेगुलर तौर पे साल साल दर साल होती रहे, कम से कम एक मीटिंग हो, एंड और ये बॉडीज जो है मिलके ये ब्रिज कोर्स का पूरा प्रोफार्मा और जो स्कोप ऑफ वर्किंग होगा वो बनाएंगी। चलिए विकास जी, अभी आपको बहुत सारे उत्तर देने हैं, वो तो ठीक है, आपने अपनी सलाह दी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ दर्शक हैं रीवा से, कैलाश तिवारी जी स्वागत, सवाल करें। तिवारी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि जो डॉक्टरों की जो लाइन इन्होंने लगा दी है, जो संविदा में है उनको प्रभारी बना दिया गया है, और आज के डेट में ये स्थिति है कि वहाँ जाओ तो कोई सुनता नहीं बिना फीस दिए। कहाँ संविदा को प्रभारी बना दिया? यहाँ हनुमना में। मैंने वो MBBS डॉक्टर हैं। MBBS डॉक्टर हैं तो अब रेगुलर कोई है नहीं, संविदा के हैं, अभी अभी आए हैं, 6 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने लिख के रखा है कि 200 रुपए हमारी फीस है। इसका तो विकास जी उत्तर देंगे। और कोई फीस नहीं है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ ताहिर आलम है भोपाल से, ताहिर जी स्वागत, सवाल करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको नया साल बहुत मुबारक होगा। आपको भी त्रिपाठी जी यही मुबारक होगा, कम से कम आप हम लोगों की बात सुन लेते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये विकास जी से बात करना चाह रहा था मैं। बिल्कुल सवाल करें आप, विकास से सुन रहे हैं। मैं मुखातिब जी जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि साहब ये बीजेपी कोई भी चीज बिना जानकारी के अपने हिसाब से बिल पास कर देते हैं, बाद में जब डॉक्टर कुछ कहें या 3 तलाक का मसला हो फिर ये कहते हैं कि हम बात करेंगे, तो ये करना क्या चाहते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता कि रोज का एक नया मसला है। देखिए इसमें क्षमा चाहता हूँ, चर्चा तो बहुत दिन से हो रही है, 2015 से समझे हो रही है जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाए हैं, आज आपके कानों तक पहुंची है, आप आज भी उसमें पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। देखिए जो मेडिकल के लिए नेट एग्जाम चालू हुआ है ये उसी का एक चरण था कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक एंट्रेंस एग्जाम किया गया मेडिकल कॉलेजेस के लिए। जी एक और दर्शक, हम एक दूसरा ये जो नया ला रहे हैं एग्जिट इसमें बिल में प्रपोज है ना। एक और दर्शक है इंदौर से, दादू जी स्वागत, सवाल करें। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, भाई साहब आप चश्मे में बहुत अच्छे लगते थे भाई साहब। चलिए कल से लगा लेंगे। जी श्रीवास्तव जी से मेरा निवेदन था भाई साहब जी, कि भाई साहब निवेदन ये है कि भाई साहब जो झोला छाप डॉक्टर आप जो बोलते हैं जी, जिनके यहाँ रेट डलती है भाई साहब जी, ग्रामीणों में बड़े डॉक्टरों को कोई नहीं पहचानता है जी, वो झोला छाप डॉक्टरों को जितना पहचानते भाई साहब उनसे जो ज्यादा इलाज होता है वो शहर के आदमी नहीं, डॉक्टर नहीं कर सकते भाई साहब जी। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि शहर के जो डॉक्टर जो बड़े बड़े जो हड़ताल कर रहे हैं इनको जय श्री राम बोलो और झोला छाप डॉक्टरों को पदोन्नति करें। चलिए दादू जी ये आपका अपना मत है। एक और दर्शक है हमारे साथ हरियाणा से, अरुण, अरुण जी स्वागत, सवाल करें। जी मेरा कहना ये है, अभी विकास की बात कर रहे थे जी, कि इसमें जो प्रतिनिधियों की बात है, डॉक्टर भी हैं दूसरे भी हैं, डॉक्टरों की भी सुनी जाएगी, लेकिन मैं बता दूं जो 25 सदस्य ये बनाया गया है कमीशन जी, इसमें 20 लोग तो नामित हैं सरकार द्वारा जी, केवल 5 लोग डॉक्टरी प्रोफेशन से आएंगे जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जी, जबकि पहले 130 मेंबर इलेक्टेड होते थे जी, और ये जो 5 लोग भी इसमें रहेंगे उनकी कोई पावर्स नहीं है, दे विल ओनली हैव द एक्सप्रेशन पावर कि आपने अपनी बात कह दी जी, आप उनको सुने या ना सुने, तो इसका क्या मतलब हुआ जी? अरुण जी आप डॉक्टर हैं लगता है। हाँ डॉक्टर हूँ, श्योर जी, आई एम अ डॉक्टर जी, तो इसका मतलब सीधा हुआ कि जो कुछ भी डॉक्टर कहना चाहे वो कहते रहे, उनकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये सारे नामित सदस्य जो है वो डिसाइड करेंगे, विकास जी एक नॉन मेडिको एक डॉक्टर का भविष्य तय करेंगे, ये कहां की ये उचित बात बताइए आप, कहीं भी किसी भी जगह पर। वैसे अरुण जी, अरुण जी विकास जी उत्तर दें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी भी
जहां भी डॉक्टर ब्लॉक लेवल पे है तो उसके ऊपर कौन गवर्न करता है? तहसीलदार, जो क्लास थ्री होता है और जो इतनी कठिन परिश्रम के बाद पढ़ाई करके आता है, 3 साल MD करता है, 2 साल DM करता है, 5 साल MBBS करता है, उसको कौन गवर्न करता है? उसका CR कौन लिखता है? तहसीलदार। उसके ऊपर जाए तो SDM। तो अभी भी ये स्थिति डॉक्टरों की दुर्भाग्यजनक है, लेकिन अब जहां तक अब इसकी बात कर रहे हैं नेशनल काउंसिल की, वहां भी इस तरह की बात हो रही है विकास जी, ये तो वाकई दुर्भाग्यजनक है। मैं फीलिंग्स को समझता हूँ अरुण जी की, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनल फैक्टर ज्यादा हो रहा है कि डॉक्टर्स की इलेक्टेड काउंसिल थी, अब उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के लोग ज्यादा हो जाएंगे या सजेस्ट सोशल सर्विस वाले या अन्य सजेस्टिव। मुझे लगता है डॉक्टर साहब चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो जिक्र कर रहा था कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं या बड़े नर्सिंग होम्स हैं, वो कैसे रन होते हैं? इन सब की मदद से ही होते हैं ना। और जैसा नहीं, उन्होंने तभी जैसा उसकी बात की है, नॉमिनेटेड मेंबर। नहीं देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें 4 तरह की ऑटोनोमस बॉडीज भी गठित की जाएंगी NMC बिल एक्ट के तहत, जिसमें जो खास करके टेक्निकल काम है वो डॉक्टर्स की कमिटीज ही करेंगी, ये ऑटोनोमस कमिटीज ही करेंगी। रहेंगे वो डॉक्टर साहब, जब ऑटोनोमस होंगी और उनके पास में कोई निर्णय लेने की पावर होगी तो वही तो निर्णय लेंगी ना, वही बॉडीज तो निर्णय लेंगे, बोर्ड्स निर्णय लेंगे। जैसे बिल कहता है ऑटोनोमस बोर्ड्स इंटरेस्टेड विथ कंडक्टिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, जो डॉक्टर साहब शायद जिसके मुताबिक बात कर रहे होंगे, असेसमेंट एंड रेटिंग ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी टेक्निकली डॉक्टर्स ही करेंगे, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन, ये काम भी डॉक्टर्स की मतलब ऑटोनोमस बॉडी को ही करना है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में शंका नहीं खड़ी होनी चाहिए। जी अरुण जी तो लगता है साथ में नहीं होंगे, लेकिन श्याम जी से उत्तर लेंगे। लेकिन श्रीवास्तव जी, आपकी विशेष टिप्पणी और आपसे दादू जी सवाल किया था, अगर आप उत्तर देना चाहें साथ में, इससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है त्रिपाठी जी, पहले तो दादू जी के सवाल का जवाब दे दूं मैं। उनका ये कहना कि झोला छाप डॉक्टर गांव तक रहते हैं और वो बिल्कुल छोटी मोटी दवाइयों को देते हैं, उपलब्ध रहते हैं, उनकी उपलब्धता रहती है जी। और उसका एक कारण ये भी है कि वो गांव में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं पर जो है उनका रोजी रोजगार चलता रहता है। ये तो एक अलग मुद्दा है, झोला छाप डॉक्टर कितने कॉम्पिटेंट हैं ये तो जग जाहिर है जी। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता मरीज को जी। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर रेशियो का पेशेंट अपने हिंदुस्तान में क्या है, मार्च 2017 में जी। अपने यहाँ जो 0.62 है 1 per 1000 जी, मतलब 1000 पर 0.62, करीब 125 अरब जी, 125 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख ही केवल डॉक्टर। ये WHO की रिपोर्ट है जी। और उनका मानक जो है पर थाउजेंड जो है कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए जी। अदर जो कंट्रीज है जैसे चाइना है, ब्राजील है और तमाम देश हैं जी, उन जगहों पर क्या है कि 1000 पर मतलब एक से ज्यादा डॉक्टर जी, जी। तो सबसे बड़ी समस्या अपने देश की है कि डॉक्टरों की संख्या कम है जी। अब उसकी भरपाई ब्रिज कोर्स से करनी है। थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे सुभाष, एक रांची से दर्शक है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमन सिंह राणावत जी, स्वागत है, सवाल करें जी। त्रिपाठी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, मेरा कहना ये है कि ये जो बिल आ रहा है जी, ये काफी बढ़िया है, अगर सरकार इसको जो है सही ढंग से लागू करती है जी, तो बहुत सारी जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जी, उसका निश्चित रूप से इसमें समाधान होगा जी। और जो ये डॉक्टर्स की मतलब आप बिठाए हुए हैं पैनल में जी, अग्रवाल जी जी, वो जो कह रहे हैं कि अगर पहले वाला जो ये संगठन था इनका जी, MIC बढ़िया काम, हाँ हाँ बढ़िया काम कर रहा है, तो सर इतनी सारी जो मतलब शिकायतें आ रही हैं जी, और जिसको हम लोग देख भी रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है, तो उस पर जो है इनका संगठन अब तक क्या करता रहा, चाहे मेडिकल कॉलेज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आम जनता के स्वास्थ्य। बहुत लंबा हो गया रमन सिंह जी, थोड़ा संक्षेप में। आप रांची में हमारा चैनल देख रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी जी जी, बहुत धन्यवाद, हम श्याम साहब से आपका उत्तर जरूर ले लेंगे। एक और दुर्ग से सेवाराम जी है, सेवाराम जी स्वागत, सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जो बिल आ रहा है उस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि जो डॉक्टर MBBS की डिग्री के बाद सरकार की नीति के अनुरूप गाँव में 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के लिए कठोर नियम बनने चाहिए,
अगर श्री विकास जी इस पर टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम विकास जी से ले लेंगे। मैं बोला था ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकार जो है ये भरपाई करने की कोशिश करे। एनएमसी जो है, जो बिल आ रहा है नेशनल मेडिकल काउंसिल जो विधेयक है इसमें, अगर 6 महीने के ब्रिज कोर्स में जो आयुष डॉक्टर हैं उनको एलोपैथी का इलाज करने की यदि सुविधा दी जाती है तो एक चीज तो तय है कि वो उतनी गुणवत्तापूर्ण तो इलाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मरीजों को जब उनको एक बार सुविधा मिल जाएगी, वैसे भी आप जाइए देखिए गांव की तरफ, मैं कई बार देखा भी हूँ कि विभिन्न आयुष डॉक्टर जो विभिन्न पैथी के डॉक्टर हैं वो भी एलोपैथ का इलाज करते रहते हैं, बीच में सरकार उन पर शिकंजा भी कसती रहती है, मध्य प्रदेश सरकार में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं और उनको बाधित किया जाता। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की, इससे आप देखिए गाँव में जैसे गायनिक है, गांव में दाई भी जो है वो प्रेगनेंसी मतलब वो करवाती है, डिलीवरी करवाती है जी। अब इसके बाद क्या होता है कि उसको भी ब्रिज कोर्स करवा दीजिए कि क्या वो गायनिक हो जाएगी या कोई एक्सपर्टाइज उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीवास्तव साहब, अगर उपलब्ध नहीं है किसी गांव में, नहीं नहीं उपलब्धता की बात बता रहे, सरकार मेडिकल की सीट क्यों नहीं बढ़ाती है जी। इतने सालों से बिल्कुल इतने सालों से आप देखिए इनका हर साल कितना है, इनकी सीटों में इजाफा नहीं होता है जी। अगर ये इजाफा हो जी। तो मेरे ख्याल में लगता है कि ये डॉक्टर की रेशियो की संख्या बढ़ सकती है, एक बात जी। दूसरी बात, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बात और है, जो इस मेडिकल काउंसिल जो बिल है जी। इसमें जो संख्या सदस्यों की संख्या, हमें लगता है कि जो 5 और 20 का रेशियो है, कम से कम अगर टेक्नोक्रेट पर भरोसा किया जाए तो ये 50-50 भी किया जा सकता है जी। कम से कम इतना तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए जो पर्टिकुलर पेशे में है, उनकी भागीदारी कम से कम 50% होनी चाहिए जी। आज डॉक्टर्स देश में अगर इस बात का विरोध कर रहे हैं तो ये बात अलग है कि सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है और उसके हिसाब से काम करती है, लेकिन टेक्नोक्रेट्स को महत्ता देनी ही पड़ेगी उनको जी। तभी इस क्षेत्र में व्यापक सुधार हो सकता है जी। श्याम साहब, बहुत सारी अभी जकारिया साहब ने कहा कि अगर अभी भी लगभग 95% जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं प्राइवेट, उसमें जो आपके सहयोगी हैं वो इन्हीं पद्धतियों से आए हुए हैं, ठीक इन्हीं के डॉक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं और हॉस्पिटल चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको एलोपैथी इलाज करने की अनुमति दी जा रही है तो उसमें बुराई क्या है, जबकि गाँव में आप भी जानते हैं कि डॉक्टर नहीं है, वहां झोला छाप डॉक्टर अलग है, ये पैथी वाले अलग है। एक आपके सवाल पे एक मिनट, एक दर्शक हमारे साथ है भोपाल से, विवेक जी स्वागत, सवाल करें। जुबेर जी स्वागत है, सवाल करें। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, मैं जुबेर खान बोल रहा था भोपाल से। सर मेरे एक दो सवाल थे डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर से। जी पहला तो ये एक आपत्ति है कि सर जो जो डॉक्टर आयुष डॉक्टर जो है अगर वो 5.5 साल का कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी है तो उनको झोला छाप कहना पहली बात तो वो गलत, और दूसरी बात उनको झोला छाप नहीं कह रहे हैं वो डॉक्टर हैं, उनको झोला छाप ना हम कह रहे हैं ना श्याम जी कह रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर अग्रवाल मुझे थोड़ा सा ये बताने की कृपा करें कि उनका जो अस्पताल है भोपाल में उसमें कितने आयुष डॉक्टर अभी वर्किंग है, और दूसरी बात ये है सर जो गांव में एक पेशेंट हार्ट अटैक से या दूसरी किसी बीमारी से मर रहा है अगर उसको फर्स्ट एड मिल रही है किसी डॉक्टर के थ्रू तो इससे उनको समस्या क्या है। जी उसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब खुद ही देखते हैं, डीएम है। जी श्याम जी। जी इस पहलू पे आने के पहले मैं बड़ी एक विरोधाभास जो भी हास्यास्पद भी लग रहा है मेरे जी, को जी। हम जूझ रहे हैं डॉक्टर्स की संख्या से, उनकी कमी से जी। एक तरफ तो आप MBBS की नीट का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा रहे हैं, उसको कठिन कर रहे हैं जी। दूसरा एग्जिट टेस्ट ला रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 40% ही MBBS पास हुए लोग उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, इसका मतलब जो 60% बचते हैं वो उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं रहेगी। तो एक तरफ तो MBBS को इतना कठिन और इतना दुर्लभ बना रहे हैं कि जितने डॉक्टर्स बन रहे हैं क्वालिफाइड उसमें सिर्फ 40% ही एलिजिबल होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरी तरफ हम कुछ एक ब्रिज कोर्स ला रहे हैं। मैं ब्रिज कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम फेवरेबल टू दैट, क्योंकि आज अगर हम उनको कुछ
जैसे कि जकारिया साहब ने भी कहा कि कुछ एडिशनल ट्रेनिंग देके या कुछ एक पर्टिकुलर लिमिटेड वो देके हम उनको एक प्रमाण देते हैं कि आप ये इतना काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक तरफ आप डॉक्टर्स की कमी खुद ही पैदा करना चाह रहे हैं एग्जिट टेस्ट लेके, और दूसरी तरफ आप जो है क्वालिटी को इतना कम कर रहे हैं कि जो नॉन एमबीबीएस है वो ट्रीटमेंट करे, तो ये बड़ा हास्यास्पद विरोधाभास मेरे को लगता है। बाकी हाँ, आज आप देखेंगे तो भोपाल के अधिकतर नर्सिंग होम्स में या मध्य प्रदेश नर्सिंग होम में क्लिनिकल असिस्टेंट के रूप में आयुष या बीएचएमएस लोग काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं और डेडिकेशन से काम करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। जी नहीं, इसमें थोड़ा सा एक बात और है जो इस पर आपने बात कही है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा इस नए बिल से? ये एक बड़ा वो आ रहा है एक अंदर एक मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में तरह तरह की नए नए नियम लगाए जाएंगे उनकी क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ाने के लिए, जैसे एनएबीएच हुआ या दूसरी सिक्योरिटी या काइंड ऑफ पैरामीटर्स जब बढ़ जाएंगे तो एक तो मरीज की ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ने वाली है जी। दूसरा करप्शन इन द सेंस की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हो रहा है कि जो ऑटोमेटिकली सीट बढ़ाने की बात हो रही है कि आप अपने आप से सीट बढ़ा सकते हैं फॉर मेडिकल कॉलेजेस, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बैकडोर एंट्री से करप्शन बढ़ेगा, ये विचार आ रहा है जी। विकास जी, आपसे दर्शक ने सवाल किया था सीधे, उस समय श्रीवास्तव जी की टिप्पणी आ रही थी इसलिए मैंने आपसे नहीं लिया, भूल गया। चल, उसमें एक डॉक्टर साहब खैर आपने उत्तर दे दिया था, उसमें ये भी कहा गया था कि जो अगर ये हो रहा है और श्रीवास्तव जी ने ये सवाल उठाया, आपने उसमें सहमति भी व्यक्त की थी कि डॉक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और श्याम साहब ने कहा कि हास्यास्पद है, एक तरफ एमबीबीएस माने इतना कठिन, पीएमटी देगा, सीपीएमटी देगा, उसके बाद 4.5-5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करेगा, फिर वो इंटर्नशिप करेगा, हाउस जॉब करेगा, उसके बाद वो नीट देगा, जिसमें खुद अभी श्याम साहब ये आपको आंकड़ा कहां से मिला मुझे नहीं मालूम कि 40% ही लोग उसमें क्लियर हो पाएंगे। 40% वाला फिगर तो मेरे को लगता नहीं, बिल में कहीं लिखा हुआ श्याम साहब है क्या ऐसा? एग्जिट एग्जाम जरूर होगा लेकिन उससे त्रिपाठी जी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा मेडिकल के, वो तो अभी भी एग्जाम होता है, काफी टफ एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया एक हो जाएगा उससे मिल जाएगा। नंबर दूसरी चीज नहीं, एक मिनट, दूसरी जो एग्जिट पास नहीं करेगा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या उसमें जॉब नहीं मिलेगी, तो दैट इज अनदर फैक्टर ऑफ दैट। एग्जिट पास करने के लिए आपको क्वालिफाई होने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, प्रैक्टिस भी नहीं कर, तो करेगा क्या फिर? कुछ नहीं, एग्जिट देता रहे, नहीं तो पास करना पड़ेगा, तक पास नहीं करेगा। जो प्रपोजल है बिल में प्रपोजल जो है त्रिपाठी जी, उसकी मंशा यही है जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ पा? नहीं, ये वाला भी बहुत कठिन है विकास जी, आपने एमबीबीएस में उसको एडमिशन दिया है और अगर वो एग्जिट पास नहीं किया तो 10 साल, वैसे भी आप जानते हैं कि लगातार कोई भी बच्चा एमबीबीएस क्लियर कर नहीं पाता है, एमडी में उसको 2-3 साल लगते हैं एमडी मेडिसिन, और उसके बाद एग्जिट कोर्स नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, फिक्रमंद इसलिए नहीं होना है कि किसी को 10 साल लगते हैं 12 साल लगते हैं, हमें तो कैपेबल आदमी बनाना है, डॉक्टर बनाने का है ना सिस्टम को, तो हमें तो फिक्रमंद ये होना है कि विद ऑल दी कैपेसिटीज वो बिल्डअप हुआ कि नहीं डॉक्टर के रूप में। नंबर एक सवाल जो बात आई कि मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उससे एंट्रेंस होगा, जो श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे बहुत वाजिब बात है कि डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ पाई क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस वैसे एक्सपांड नहीं हो पाए हमारे यहाँ गत वर्षों में। अब जब हम मेडिकल कॉलेज के एक्सपांशन के लिए गए, एमसीआई एक प्राइवेट बॉडी हो गई जो रिकॉग्नाइज करती थी मेडिकल कॉलेजेस को, हमने देखा बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आ गए, बहुत सारी बातें उठी कि सही हॉस्पिटल में लैब सही नहीं है और कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, वहां पेशेंट्स नहीं रहते, उतने बेडेड नहीं है, फिर भी उन्हें रिकॉग्निशन मिल गया। अब जब गवर्नमेंट की उसमें सहभागिता बढ़ेगी तो मामला ज्यादा बेहतर बनेगा और ये जो प्राइवेट बॉडी होने के कारण जो करप्शन के काम हो रहे थे वो दूर हो सकेंगे। गवर्नमेंट अच्छा, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सरकार के ऊपर आती है और बढ़ेगा, यहाँ बात आ रही है आप सरकार की। विकास जी एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय नारायण जी अपना सरकार की जवाबदारी है, जनता अपेक्षा करती है। विकास जी, डॉक्टर अजय नारायण जी हम अभी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। अजय जी आपका स्वागत, सवाल करें। जी सर, मैं डॉक्टर अजय नारायण सिंह बोल रहा हूँ जी।
जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो ब्रिज कोर्स स्टार्ट इसमें एनएमसी में जो ब्रिज कोर्स शुरू किया है, इसका तो स्वागत मोदी जी ने और जो काम किया है सबका साथ सबका विकास, इसमें एमबीबीएस वालों को आईएमए वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसमें आयुष वालों को होम्योपैथी और आयुर्वेद वालों को मतलब सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भोपाल में और इंदौर पूरे बड़े शहर जबलपुर इंदौर ग्वालियर यार अपन मेट्रो सिटी में देख लें तो होम्योपैथी वाले ही सबसे ज्यादा हॉस्पिटल। आप कौन से डॉक्टर हैं अजय जी, आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। हरियाणा से चंद्रप्रकाश जी स्वागत, सवाल करें। नमस्कार त्रिपाठी जी। जी नमस्कार। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स जो है इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इंसान को जीवन दान देते हैं। जी। परंतु त्रिपाठी जी एक सवाल है मेरा। जी। डॉक्टर नवीन जी बैठे हैं, नवोदय जी बैठे हैं, मैं इनसे श्याम जी बैठे हैं अग्रवाल साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक हार्ट का इंजेक्शन लगता है 700 रुपए का जी। और उस पर वसूल किए जाते हैं 8000 रुपए, क्या ये न्याय संगत है? श्याम जी। एक स्टंट जिसकी कीमत 27500 है और 95000 रुपए लिए जाते हैं, क्या ये न्याय संगत बात है? जी जी चंद्रप्रकाश जी, श्याम जी थोड़ा संक्षेप में उत्तर। आज का विषय ये नहीं है बालाजी, जो आप कह रहे हैं वो एकदम गलत है, गैर कानूनी है, होना नहीं चाहिए, बट आज का विषय ये नहीं है तो हम शायद उस पर बाद में बात करें। जी जी विकास जी अपनी बात कर रहे थे। देखिए सरकार की सहभागिता बढ़ेगी तो बेहतरी होगी। एडमिशंस के बारे में मैंने बताया, कॉलेज के रिकॉग्निशंस में कैसे सरकार, अच्छा सरकार को फिर हेल्थ सर्विसेज जब एक्सपांड करना है तो एस्टिमेट भी करना है और एक्सपांड भी करना है। त्रिपाठी जी इस पूरे मसले को जो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमोशनली लग रहा है मुझे, एक इस बात से सोचें जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, संक्षेप में हमारा ये उत्तर चाहिए हमको। आपने कहा कि मैनेजमेंट कोटा 60% हो जाएगा, अभी तक जो मुझे मालूम है नहीं हो जाएगा। सुने अभी तक जो मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं वो एक एनजीओ माने जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको ही अनुमति मिल रही, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं इसलिए ये सब दाएं बाएं लोग कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपने ये नया बिल पास कर रहे हैं जिसमें 60% मैनेजमेंट कोटा हो जाएगा, तो माने अब ये इलाज और महंगा होगा। कोटा 60% नहीं हो जाएगा, मैनेजमेंट कोटा 60% नहीं हो जाएगा, उसमें 60% सीटों के लिए फी स्ट्रक्चर डिजाइन वो कॉलेज अपने मुताबिक कर सकेगा। देखिए यहाँ पे यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी पूरा है, अगर एक एनजीओ कॉलेज खोलता है वो कैसे कॉलेज को किस स्तर का बनाना चाहता है तो लेकिन आप दिखा सकेगा। उसके लिए त्रिपाठी जी रेगुलेटर है ना, उसके लिए रेगुलेटर संस्था है, वो भी तो काम करेगी ना, ऐसा थोड़ी प्रॉफिट कमाने देगी, उसे बिल्डअप करने देगी। रेगुलेटर संस्था ये देखेगी कि भाई वो संस्था आखिरकार जो मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल एजुकेशन बनाने में खर्चा करती वो मिल सके। तो एक तरह से यूं कहें हम कि अलग अलग दर्जे के कॉलेजेस बनेंगे, और जब अलग अलग दर्जे के कॉलेजेस बनेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो आखिर जब वो पास आउट हो रहे हैं डॉक्टर्स वहां, तो आपको वहां पे फिर एक टेस्ट चाहिए कि नहीं, कि माकूल डॉक्टर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वो एग्जिट एग्जाम का प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि आखिर वो इलाज करने जा रहा है। और मुझे लगता है आज के वो एमबीबीएस चार साल चार एग्जाम पास करके आ रहा है वो इलीगल नहीं है। जब हम बातें करते हैं कि हम किस तरह से पिछड़े हुए हमारे साथियों को एडमिशन रिजर्व कैटेगरी में देते हैं, तो आप सोचिए उस बिंदु के तहत भी विचार करें कि वो प्रावीण्यता जब हासिल कर सकेंगे तब वो फिर रिजर्व कैटेगरी वालों को दे क्यों रहे एडमिशन? ऐसा ऐसा नहीं, उसमें ठीक है रिजर्वेशन देते। अच्छा दूसरी चीज, जहां तक आपने फीस की बोली, सरकार ये समझ क्यों नहीं रही है कि ऐसी जगह पे नहीं दे सकते हैं स्टूडेंट को स्कॉलरशिप उतनी दे सके कि उनकी कॉलेज में फीस शून्य उनके खाते आ जाए, सरकार पूरी अदा करे। मध्य प्रदेश में कर रही है ये सब कर दीजिए, लेकिन आप खुद ही मान रहे हैं कि रिजर्वेशन एक बात कह रहा हूं कोर्स इसलिए है, मतलब एक वो आरोप भी खत्म हो जाएगा कि भाई काबिल व्यक्ति बन के डॉक्टर बन पाया या नहीं बन पाया। तो दूसरी तरफ उनका श्याम जी का कहना है कि आप ब्रिज कोर्स करा के एलोपैथी इलाज करा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको और कठिन कर रहे हैं। ये बहस बिल्कुल थोड़ा सा इसे क्लियर आउट होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझे बोले, जकारिया साहब का जकारिया साहब की बात है ना, देखिए जो एग्जिट कोर्स करके एग्जिट एग्जाम देके जो डॉक्टर प्रैक्टिस करने जा रहा है उसका दर्जा अलग होगा,
उसके मेडिकेशन का स्कोप अलग होगा। और जो जकारिया साहब जिन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं ब्रिज कोर्सेज के माध्यम से, जकारिया साहब भी सहमति बता रहे हैं कि भाई उसका स्कोप उतना लार्ज नहीं होगा, उसका स्कोप कमतर होगा, लेकिन फिर भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में वो भी सहयोगी बेहतर ढंग से हो सके। आज भी सहयोगी है जकारिया साहब, विकास जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है जो नियम है आपने पढ़ा होगा इसमें ये भी है कि अगर मिनी पीएससी में कोई आयुष डॉक्टर पदस्थ किया जाता है तो अगर उस जगह पे एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाता है तो बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। ऐसी स्थिति में उसको उसकी भी तो कोई छोटी होनी चाहिए कि अगर हमको मिला है और हम ब्रिज कोर्स करके आए हैं, हम इलाज कर रहे हैं, तो या तो ये हो कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर आ गया है तो वो भी पदस्थ रहे, वो भी पदस्थ रहे, वो शर्त में ये आ रहा है कि वो फिर वहां नहीं रहेगा मेरा। और साथ में एक सवाल आपने कहा था कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन भी किए हैं, तो आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि यूनानी यूनानी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक का तो अपना सार सूत्र का अपना अपने ही सर्जिकल होता ही है जी, आयुर्वेदिक वो भी उसमें मान लेते हैं उनका उनकी अपनी शल्य क्रिया पद्धति अलग है, लेकिन यूनानी और होम्योपैथी की मैं जानना चाहूंगा जी। होम्योपैथी में तो उमूमन जो दवाएं देते हैं सर्जिकल सारे केसेस को पढ़ाया जाता है ताकि पेशेंट कौन सा आ रहा है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए ये डॉक्टर को पता हो। ये कहना कि मैं इस बात से, आपने तो उस बात के बीच में कह दिया कि साहब झोला छाप आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन वो जनरली जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनका यही रहता है कि वो झोला छाप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक झोला छाप वो है जो आयुर्वेद रत्न वगैरह करके वो आदत में आ गया है तो उसका मैं पहले से मना कर रहा है कि मैंने कभी नहीं। शुक्रिया, आप नहीं कहते, आप तो आपकी सारी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल उनसे अलग है, और मैं यही चाहूंगा दूसरे डॉक्टर भी झोला छाप नहीं गए, क्योंकि बरसों से हम देखते हैं लिफ 52 आयुर्वेदिक दवा है और एमबीबीएस डॉक्टर लिखते, तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात ये थी कि जो आपने बात की सर्जरी की, हम लोग सर्जरी करते नहीं है, हम लोग को जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहां ले जाके हमको दिखाया जाता है और मोटी मोटी जो बहुत इनिशियल चीजें होती है जैसे चीरा लगाना है या अगर कुछ करना है इतना हमको सिखाया जाता है। हम सर्जरी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें सर्जरी करने का हमको कोई लाइसेंस दे दीजिए, बल्कि जब डॉक्टर्स को इतना तो अंदाजा होना कि ये केस किस चीज का है, ये केस मेडिसिन का है कि सर्जरी का है। अगर कोई ऐसा केस गाँव के अंदर आता है और वो वहां पेशेंट अगर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए, डॉक्टर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए, तो फिर वो आगे करेगा क्या। तो कम से कम जो दवाइयां सरकार चुन रही है, और वो अकेले सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार चुन रही है, डेफिनेटली उनके बीच में कोई एमबीबीएस या बड़े डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा होगा कि भाई ये चीजें दे सकते हैं और ऑलरेडी दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के या यूनानी के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि सारे कोर्सेज को वो पढ़ते हैं और पूरे 5.5 साल वो, 1 साल का इंटर्नशिप और 4.5 साल का अपना ये सारे पढ़ने के बाद एमबीबीएस वाले कैसे पढ़ते होंगे श्याम जी, ऐसा होता है क्या? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, ये सर्जरी, सारे सारे सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, सिर्फ फार्मेकोलॉजी एक ऐसा होता है जो अलग होता है जिसकी ब्रिज कोर्स के अंदर उनको सिखा दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेडिसिन उनको बता दी जाएंगी। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये सहायक बनेंगे, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि एमबीबीएस करने वालों की, वो अपनी जगह बेहतर है, हम अपनी जगह बेहतर है, दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों की लिमिटेशंस भी हैं, दोनों की पॉजिटिविटी भी है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गांव गांव तक, इंटीरियर तक, माइक्रो इंटीरियर तक हेल्थ कैसे पहुंचे, सबसे बड़ा मुद्दा सरकार का ये है, ना कि ये है कि ये करे कौन जी, और ये सहायक बनेगा ऐसा मेरा मानना है जी। श्रीवास्तव साहब, आपने कहा कि एमबीबीएस की सीटें, ये तो सीटें जब बढ़ेंगी, 6 साल कोर्स करेंगे फिर आएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ये करने जा रही है कि ठीक है ब्रिज कोर्स करवा करके उस जगह पे वो पदस्थ हो जाए, कम से कम प्राइमरी स्टेज पे तो उसको थोड़ा बहुत इलाज मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अगर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, इन्होंने कोई, इनको मालूम भी है कि अंग्रेजी दवाई एक देने से वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो कागज में लिख नहीं सकते हैं, उन पर पुलिस केस हो जाएगा जी, कागज में लिख नहीं सकते हैं, पुलिस केस हो जाएगा। तो ऐसे में जब इतने सारे, मैंने पहले भी दिखाया कि इतने डॉक्टरों की कमी है, तो इसमें मिनी पीएससी पता नहीं कितनी खाली होंगी, विकास जी 14 साल से सरकार में एक भी नहीं भर पाए, मध्य प्रदेश में हमें कमी है, विकास आप 14 साल हो गए भर नहीं पाए, कमी है डॉक्टर्स की, उसकी वजह है बहुत बड़ी कमी कि आपके मध्य प्रदेश में जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं
उनके पे स्केल में और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र इनके पे स्केल आप देख लीजिए, आपका डबल का अंतर है, इसलिए आपके डॉक्टर दूसरी जगह चले जाते हैं। जी, जी, यूपी में भी सरकार के पास में डॉक्टर 60% ही है। हाँ, 60 है, आपके यहाँ तो 35% हो गया। नहीं, आप पे स्केल देख लीजिए, आपके डॉक्टर इसलिए गाँव में नहीं जाना चाहते हैं। जी जी श्रीवास्तव साहब, देखिए मेरा ये मानना है कि ये घबराहट इन डॉक्टर्स को नहीं है जो स्पेशलाइजेशन करके आ रहे हैं, जो MBBS करके आ रहे हैं, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो घबराहट तो मरीजों को है। उनकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है ये देखना होगा। जी। मैं इस मामले में एक चीज जो कहना चाहूंगा कि जितनी भी पैथी है हिंदुस्तान में, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सबकी सबकी अपनी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जी। अगर इन डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करा के आप एलोपैथ में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पैथी के साथ भी जो है नाइंसाफी हो रही है। जी। आयुर्वेद में जिस तरह का जो जो व्यवस्था है जी, उसको जितना हाइट पर ले जाना चाहिए, हमको लगता है कि ये डॉक्टर्स भी अपनी पैथी छोड़ के दूसरे पैथी में चले जाए। जी। एक सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि जो अभी अभी जो बात हो रही थी, विकास जी सही बोल रहे थे, मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, इन डॉक्टर MBBS डॉक्टर्स की संविदा पर नियुक्ति क्यों कर रहे हैं? उनको PSC से लेके ले आइए, इसीलिए 200 रुपए फीस लिख दिए उन्होंने। अब सवाल है कि उनका उनको भी संविदा पर लाएंगे, टीचर्स भी संविदा पर होंगे और भी पदों पर संविदा पर लाएंगे, तो जो 8-9 साल की जो जो पढ़ाई करके आ रहे हैं और फिर लाके उनको 50,000 रुपए महीने की संविदा पर रख लेंगे, तो हमको लगता है कि डॉक्टर्स इतना उनको उसका रुझान क्यों होगा? भाई मरीजों के साथ वो ठीक है, एक संविदा पर आने के बाद तो फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगता है, फिर उस पर भी अंकुश है, इन तमाम बातें हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो भी डॉक्टर्स हैं, अभी तो सीटें बढ़ाने की बात अलग है, जो ऑलरेडी हैं, जो उपलब्ध हैं, उनको यदि PSC के तहत लाते हैं, उनका चयन होता है और वो सरकारी नौकरी में स्थायी होते हैं, तो मेरे ख्याल में लगता है कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। रही बात ये जो आयुष डॉक्टर हैं, ये भी सपोर्टिंग डॉक्टर के रूप में बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कोर्स वो भी 5.5 साल का नहीं, 5.5 साल का कोर्स करते हैं लेकिन अपनी पैथी में करते हैं जी। और जिस पैथी में जो डॉक्टर है उसको सारी चीजें पढ़नी पड़ती है जी। आप ये डॉक्टरी का पेशा करने जा रहे हैं तो एनाटॉमी पढ़ना ही पड़ेगा जी। चाहे आप जो है मेडिकल, चाहे आयुर्वेदिक हो और चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आप शरीर विज्ञान के बारे में जानेंगे नहीं तो आप अपनी पैथी का इलाज कैसे करेंगे? सवाल वहां उठता है कि इस पैथी का अलग अलग ट्रेंड है और आप अपने अपने इलाज को उसी लाइन पर ले जाइए। हमको लगता है कि उससे बहुत सारा फायदा भी मरीजों को हो सकता है। अभी आप देखिए बहुत सारे लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं जिनको दूसरी पैथी से दूर किया जाता है। कभी कभी जो बहुत ज़्यादा मरीज जो जाता है और वो अपोलो से लौट के आ गया, यहाँ से लौट के आ गया, तो उसका इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर करता है। तो आप थोड़ा सा इसकी इसकी भावना को समझने की जरूरत है। अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं श्रीवास्तव जी से पूरी तरह सहमत हूँ जी, और उन्हें बहुत ही टचिंग बात कही है जी। आज होम्योपैथी में ब्रिटिश जनरल ऑफ होम्योपैथी चलता है जी, जो कि इट्स ऑल ऑथेंटिक और लीगल जी। और पतंजलि आप देख ही रहे हैं आयुर्वेद में कहां से कहां पहुंच गया है जी। तो हम उनकी खुद की पद्धतियों को क्यों म्यूटिलेट करना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, जिससे कि वो दूसरी पद्धति में जाके वो इलाज करें? नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है, वहाँ फैकल्टी की जरूरत होती है। आज हमारे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की भी आप हालत देखें, जैसे कि विकास जी ने बताया कि 60% से भी कम हमारे पास फैकल्टी है जी। तो ऐसे सिर्फ कहने से मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाएंगे, हमको या तो शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा, MBBS का भी जैसे 5 साल की जगह 3 साल का कोर्स करते जैसे जोगी जी ने पहले किया था जी। तो कहीं ना कहीं उस जो एग्जॉर्बिटेंट कोर्स है मेडिकल MBBS का, उसको छोटा करके और नंबर टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा, क्या हम एग्जिट में भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं? जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एग्जिट हमको क्वालिटी देगा, क्वालिटी डॉक्टर देगा, जिसमें कि पास होने की संभावना कम है, तो क्या हम उसमें भी रिजर्वेशन देंगे जिस तरह के PMT में या नीट में रिजर्वेशन हो रहा है? विकास जी, कम क्यों, ऐसा कोई प्रोविजन तो दिखा नहीं रहा। नहीं नहीं, फंसने वाली बात नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन तो दिखा नहीं। देखिए एग्जाम तो MBBS का भी क्लियर करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, वैसे एग्जिट भी करना पड़ेगा, क्लियर एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो उसमें भी रिजर्वेशन होगा क्या? नहीं, एग्जाम तो क्लियर एग्जाम नहीं, नहीं, होता नहीं होगा, एग्जिट में भी होगा कि 40 वाला पास और 90 वाला फेल। रिजर्वेशन कायम होता है, रिजर्वेशन होता है
एंट्रेंस कॉलेज में 40 सीट है तो 4 सीट किसी वर्ग के लिए रिजर्व है, 5 सीट किसी में भी होता है वो होता है, वो तो होगा वो एग्जिट में, फिर कहाँ से क्वालिटी, आप फिर कहाँ से क्वालिटी करने में नहीं होगा एग्जिट पास नहीं किया तो आप पीजी नहीं जाते। दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा था त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है नहीं आप उसका उत्तर दीजिए, एग्जिट में क्या होगा? नहीं मैंने बताया ना जितना बिल में, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो माइक्रो नोटिंग करना है वो तो एनएमसी को करना है और उसके तहत जो 4 ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएंगी उनको करना है। ये तो एक, जैसे हम बार बार ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स किस ढंग का होगा, क्या स्कोप ऑफ मेडिकेशन होगा, ये सब तय उसे करना है। वहां 25 लोग बैठेंगे और उनकी ऑटोनोमस बॉडीज 5-5, 7-7 लोगों की अलग होंगी, उनको करना है। श्याम साहब ये बिल में थोड़ी प्रोविजन है, ये तो केवल एक प्रोविजन कर रहा है कि इस ढंग का हम काम कर सके, चूंकि ये हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में लिया है। श्याम साहब ये जो अभी तक जो इस तरह से अवरोध, अभी एक दर्शक ने जो सवाल किया था विकास जी, वो इसी तरह का था कि ये जो कोर्स एमआईसी जो प्रतिबंध लगा देती है, अब तो ये लगेगा नहीं इस तरह से। अब जो नया बिल पास हो रहा है उसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल का कोर्स कर दे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन एमडी और डीएम में भी दे, अब तो ये भी हो सकता है, क्यों श्याम साहब? ये हो सकता है ना, अभी जो जोगी जी ने अगर छत्तीसगढ़ में किया था तो वो उन्होंने कर, लेकिन एमआईसी अड़ गई थी, तो अब तो एमआईसी है नहीं, हट जाएगी, तो ये भी हो सकता है। तो वही हम सकारात्मक रूप से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, बजाय कि बैकडोर एंट्रीज और दूसरी पैथीज को म्यूटिलेट करें। त्रिपाठी जी मेरा एक बड़ा सबमिशन है, होता क्या है एक्चुअली, सेवाराम जी का सवाल विकास जी उत्तर, फिर जकारिया साहब के पास चले। सेवाराम जी ने एक सवाल किया था कि जो सरकार ने जो सख्त रूल बनाए थे कि 3 साल आपको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी ही है, वो एमबीबीएस में भर्ती के समय ही अनुबंध, वो कहाँ गया सकती? क्या एक पेनाल्टी प्रोविजन भी रखना पड़ा था, बहुत बार वो भी हुआ जी। सरकारी सेवाओं में तो माकुलता है ही है उसकी, उसे फॉलो ही किया जाता है। और जो पीएससी वाली बात आ रही थी संविदा पे, इसलिए पीएससी का एक अपना समय लगता है पीएससी अपॉइंटमेंट का, लेकिन संविदा तो खुले दरवाजे हैं, डिग्री के साथ आइए और नौकरी पे लग जाइए। तो संविदा में क्यों रखा है उनको? इसलिए कर लिया जाता है कि संविदा पे तो एकदम मतलब वॉक इन हो गया ना, ये तो पीएससी क्यों नहीं करवा रहे? पीएससी में एक समय लगता, क्यों नहीं कराई, कराई गई है कई बार कोर्ट केसेस के कारण डिले जरूर हुई होंगी, लेकिन पीएससी में भी त्रिपाठी जी उतने जितने सिलेक्ट हुए उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया। डॉक्टर्स की समस्या शहर से जो प्रेम है, और ऑब्वियस है शहर में जो सामाजिक और पारिवारिक वातावरण मिलता है शायद वो ज्यादा प्रिय होता है, बात मेहनताने की कमतर है, ये बाकी पारिवारिक और सामाजिक वातावरण की ज्यादा। मैं एक छोटी सी चीज कहना, एक छोटी सी चीज बस, क्या हो रहा है त्रिपाठी जी, इस इशू के पीछे जो डॉक्टर्स का एक इमोशनल टच आ रहा है, आप देखिएगा 1956 में एमआईसी बनी डॉक्टर साहब, है ना, तब इसका नियम कायदा बना। उसी जमाने में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भी था, वो बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की बहुत जगहों पे अपनी रेगुलेशंस लगाती थी, सरकार के पास में तब वो व्यापक स्तर भी नहीं था और फ्रेमवर्क भी नहीं था, तब इन तकनीकी संस्थाओं मतलब तकनीकी लोगों की संस्थाओं के भरोसे ये सब काम चालू किए गए थे। आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की जगह AICTE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पहले AIME के अंदर आता था। समय के हिसाब से डॉक्टर साहब श्याम अग्रवाल जी जिनकी भी धड़कनें बढ़ी हैं, आप कुछ भी कह लें, ये फिर से जो हमारे भगवान ये नहीं है, भगवान हमारे राजनेता भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, भगवान हमारे IAS हैं, IPS हैं, और ये जो 20 मेंबर होंगे वही होंगे, एक आध दो आपके राजनेता होंगे, ये इनके हाथ में जा रहा है। डॉक्टर्स भी होंगे, पेशेवर लोग होंगे, पेशेवर लोग भी होंगे। अरे अब आप बताइए, जिले का कलेक्टर अगर कोई डीएम करके पहुंचा है और जिले का कलेक्टर उसको बुला के सामने खड़ा रखता है कि हमारी ड्यूटी, यहाँ खड़े रहो मेरे दरवाजे पे, खड़ा रहना पड़ेगा सरकारी नौकरी का जो प्रावधान करके डॉक्टर है उसको बुला के हड़का देता है। जी जगारे साहब, एक बहुत बड़ी बात जो श्रीवास्तव जी ने कही कि जो पैथी है ये सबकी अपनी अपनी अलग विधा है, जब ये एलोपैथी नहीं थी तो उन्हीं विधाओं से, आप भी द्वापर श्वेता और इनके वर्णन सुनते आए हैं, उस समय इन्हीं विधाओं से मरीज ठीक होता था।
क्या वो विधा नहीं विलुप्त होती जाएगी अगर ये ब्रिज कोर्स करके सारे एलोपैथी में ही चले जाएंगे? नहीं, मैं उनकी इस बात से बधाई भी दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही श्याम जी ने, और बिल्कुल सही बात कही कि अपनी विधा का करना चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि हमारे जो आयुष के चिकित्सक हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालें, लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ जो अंग्रेजी दवाइयों से या मॉडर्न मेडिसिन से जो चिकित्सा गांव के अंदर कर रहे हैं बहुत डीप इंटीरियर्स में, या हमारी सरकार ही उनको मनोनीत करती है, उनको लेती है और उनसे कहती है कि आप एलोपैथी दवाइयां ये लिखिए, तो वहां कहीं ना कहीं वो उस दवा, आपने खुद ही वो बात कही थी कि वो उस दवा को लिखने में कहीं ना कहीं फंसते हैं, क्योंकि वो कानूनी तौर पे उसको नहीं कर सकते। तो आज जब तक सरकार इनका यूज कर रही है, उपयोग कर रही है, जिस दिन एलोपैथी वाले आ जाएं, मोस्ट वेलकम, आप आइए अपनी चीज संभालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए भी आप नौकरियां दीजिए, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे हब बना दें, सारे अस्पताल को हब बना दें कि भाई आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक एक एक जैसे 1250 अस्पताल है वहां ये हो, फला चीज है आयुर्वेदिक करेगा, फला होम्योपैथी करेगा, ये यूनानी करेगा, ये सर्जरी के लिए जाएगा, मोस्ट वेलकम। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं हो रही, अब इसको होने में 10 साल लग जाए, 15 साल, 20 साल, तब तक कम से कम ये जो ब्रिज कोर्स है ये हमारे सारे पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए मददगार साबित होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, गांव तक डॉक्टर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जगारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, और श्रीवास्तव जी आप सभी का हमारे साथ चर्चा में। तो आज की चर्चा से इतना साफ है कि सरकार की मंशा डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करना, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, डॉक्टर्स की योग्यता और कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले एमसीआई और आईएमए जैसी संस्थाओं के साथ बातचीत की जानी चाहिए थी, ताकि आम जनता को खामियाजा न भुगतना पड़े। ऐसे में सरकार को चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को गंभीरता से लेकर विधेयक को अमलीजामा पहना जाए। इसके साथ ही आईएमए को चाहिए कि हड़ताल की बजाय सरकार के साथ बात कर समस्या का हल निकाले, ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के साथ साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। बहरहाल आज के इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर